ओर से मैं हूं गगन। आइए आज हम आपको ले चलते हैं सिरसा के रानिया रोड पर स्थित खाटू श्याम मंदिर, जो एक बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। आइए एक झलक देखते हैं मंदिर की। देखिए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं खाटू श्याम जी की प्रतिमा, जो कि अत्यंत सुंदर ढंग से इन्होंने सजाई गई है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, राधा कृष्ण की जो मूर्ति है यहाँ पे बहुत ही अत्यंत सुंदर ढंग से सजाई गई है। यहाँ पे अलग अलग प्रतिमाओं को बड़े ही सुंदर ढंग से इन्होंने सजाया गया है। और देखिए, भोले शंकर और पार्वती जी हैं, उनके साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी बैठे हैं। इस मंदिर में हनुमान जी भी विराजमान हैं, जिनका बड़ा ही सुंदर दरबार सजा रखा है। इस मंदिर में अलग से शिवलिंग की भी स्थापना की गई है। यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर बगीचे भी सजाए गए हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के फूल पौधे भी हैं और बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं। इसी के साथ यहाँ पे अलग से एक श्याम मंडप के नाम से स्थान रखा गया है, जहाँ पर शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा है। यहाँ पे यज्ञ के लिए ये स्थान है, या हवन के लिए भी स्थान को हम कह सकते हैं कि ये स्थान रखा गया है। हमारे साथ जुड़े हैं मंदिर के पंडित जी, आइए जानते हैं मंदिर के बारे में इनसे कुछ। नमस्कार सर, आप बताइए इस मंदिर के बारे में। जय श्री श्याम। मंदिर के बारे में, श्री श्याम जी का मंदिर है, श्याम परिवार ट्रस्ट के नाम से। अब विशेषता है तो सभी को विदित हैं, जैसे कि भगवान के मंदिर में जो भी आता है सबकी मन्नतें पूरी होती हैं, इच्छा पूरी होती हैं। भक्तों द्वारा लगाई गई सेवाएँ शुरू रहती हैं और ट्रस्ट के द्वारा संचालित हमारा मंदिर है, जिसके प्रधान जी श्री श्याम सुंदर गुप्ता जी हैं और सभी ट्रस्टी मेंबर। हमारे साथ जुड़े हैं मंदिर के पंडित जी, आइए इनसे जानते हैं कुछ मंदिर के बारे में विशेष बातें। नमस्कार पंडित जी, आप बताइए मंदिर की स्थापना के बारे में, और आपका मतलब कौन सी ट्रस्ट आपके साथ काम कर रही है, कौन सी ट्रस्ट जुड़ी हुई है, और मंदिर के बारे में कुछ विशेष बातें आप हमें बताइए। 2008 में इसकी स्थापना हुई है और श्याम परिवार ट्रस्ट के नाम से ये मंदिर चलता है और बहुत श्रद्धालु आते हैं भाव से जो है, और बहुत भीड़ होती है, मंदिर में आते रहते हैं लोग और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। धन्यवाद। जैसे हमें सर से जान के खुशी हुई कि यहाँ पे एक ही ट्रस्ट जो काम कर रही है, श्री श्याम परिवार ट्रस्ट, और इसी के ऊपर ये मंदिर जो है चल रहा है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे हम आपको दिखाएंगे, नए नए खबरों से वाकिफ करवाएंगे। मैं गगन, कैमरामैन सूरज के साथ, पल पल। धन्यवाद।